नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। कहानियाँ अनेक बनती हैं, कुछ कहानियाँ वास्तविकता को लेकर आती हैं। ऐसी एक कहानी आ रही है गोरिया लाइव फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही अदा सिंह हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अदा। थैंक यू सो मच। ये मूवी पूरी बेस्ड है जो गरीब बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं। जो पहला केस आया था बच्चों का, जो एक बच्चा था प्रिंस बच्चा, वो बोरवेल में गिर गया था, ये उसके ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है। एंड उस मूवी में मैंने मेन करेक्टर किया। तो इस पिक्चर की क्या कहानी बताना चाहोगे, कितनी कहानी उस घटना से ली गई है और क्या पूरी कहानी को दर्शाया गया है? इसमें ऐसा हुआ है कि इस मूवी में दिखाया गया है कि जैसे जो बच्चे बोरवेल में, गरीब बच्चे, एक मैं गरीब फैमिली से हूँ एंड मैं बोरवेल में गिर जाती हूँ, मैं अपने जो मेरे बापू हैं मैं उन्हें ढूंढने जाती हूँ, मैं बोरवेल में गिर जाती हूँ, मेरी पूरी फैमिली रोती है, मतलब बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं। ऐसा है कहानी का ऐसा वाक्य जहाँ शूटिंग हुई थी, क्या क्या कैसा अनुभव रहा आपका, एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो इसमें एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा रहा था कि ये बहुत चैलेंजिंग रोल था बिकॉज इसमें अवधि लैंग्वेज थी, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। एंड इमोशनल सीन्स, मतलब अब तक मैंने बहुत सारे से डॉल वाले, क्यूट वाले बहुत सारे रोल्स करे और ये हर कोई बच्चा कर लेता है। मोस्टली बहुत सारे बच्चे एक्टिंग करते हैं, ये हर कोई कर लेता है, पर जो पुअर सीन्स होते हैं, जो मतलब गरीब बच्चे कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए। अपनी रियल लाइफ के बारे में बताएं, आप कैसे एक्टिंग के क्षेत्र में? तो मेरी रियल लाइफ में मैं एक्टिंग के क्षेत्र में ऐसे आई हूँ कि मेरी मम्मा एक्चुअली एक एक्टर है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स। एंड मैं 3 इयर्स, मतलब मैं जब 3 साल की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लाइक छोटा आरजे हूँ मैं, 94.3 माय एफएम। अभी मेरी अपकमिंग मूवी आ रही है गिद्ध, और कभी आर कभी पार, और बहुत सारी मूवीज़ है। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं मेरे क्राइम पेट्रोल की सीरीज़ भी है, मेरे बहुत सारे सीरियल्स करे हैं मैंने, मोस्टली गवर्नमेंट एड्स है कोरोना के ऊपर, ये सब। स्कूल लाइफ में के बारे में बताओ, कौन सी क्लास में? मैं अभी एग्ज़ाम्स हैं मेरे, फाइनल एग्ज़ाम्स, अभी मैं 6th में हूँ बट मैं प्रमोट हो जाऊँगी 7th में। पर एग्ज़ाम्स, मतलब एग्ज़ाम्स थोड़े डिफ़िकल्ट थे, पर मेरे जो स्कूल में मैंने अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ज़्यादा बताया नहीं अपनी मूवी के बारे में और मेरी, मतलब मैं एक्टिंग करती हूँ, बिकॉज फिर वो ऐसा सोचते हैं कि यार तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है एंड ये सब वो सब। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनने मेरी डिटेल्स देख चुकी है मेरे इंस्टाग्राम आईडी से एंड वगैरह थिंग्स पे। आपको अगर मेरे को फॉलो करना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डाल सकते हैं adasingh53532। दिग्गज अभिनेता आपके साथ थे, कैसा रहा अनुभव उनके साथ? नत्था जी जो थे, नत्था जी के वो बहुत अच्छे थे, उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब वो बहुत, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना जो एकदम बहुत अवॉइड करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा से भाव खाते से समथिंग कहते हैं ना, तो पर वो बिल्कुल नहीं, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, सबसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं, हर जगह एकदम कम्फर्टेबल हो जाते हैं, बहुत अच्छा है वो। क्या कहना चाहोगे पिक्चर के बारे में दर्शकों को? आप मूवी देखने जाइए 29 मार्च को इन ऑल सिनेमाज, बहुत अच्छी मूवी है। मैं आपको कहती हूँ आपको रोना आ जाएगा सही में, मेरी एक्टिंग देख के अगर आपको रोना आता है तो यही मेरी एक अच्छी एक्टिंग है, बताइएगा आप मुझे। ये हमारे साथ थी अदा जी, जिनकी पिक्चर आ रही है और आप देखना जरूर जरूर जाएं सिनेमाघरों में। कब रिलीज़ हो रही है? 29 मार्च को जरूर देखने जाएं। मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया, देखते रहें युगवाणी टाइम्स।